इंतजार खत्म। फाइनली आप सबकी इतनी ज्यादा डिमांड पर चांद निकल ही आया, और आज मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, हाँ वो भी। तो सबसे पहले मैं हर एक उस इंसान का शुक्रिया करता हूँ जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से फैक्ट्स माइंड के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो इसी बात पे एक फैक्ट बताता हूँ, 6 मिलियन वाली बात पे। तो देखो, एक जवान इंसान के दिल का वजन एवरेज 233 ग्राम से 290 ग्राम तक होता है 40 की उम्र से पहले, लेकिन मेरा दिल बड़ा है क्योंकि इसमें 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरा 300 ग्राम मान लेते हैं। तो अगर मेरे दिल के 6 मिलियन पीसेस किए जाएं, तो मेरे हर एक सब्सक्राइबर को मेरा 0.00005 ग्राम दिल मिलेगा। तो इसे अब आप संभाल के रखो और मैं Q&A स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जिस क्वेश्चन को मैक्सिमम सभी लोगों ने पूछा है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है मुस्तफा मोहम्मद। नेक्स्ट, मंथली इनकम। तो दोस्तों, एक महीने में मैं कितने पैसे कमाता हूँ ये मैं नहीं बताऊंगा, मत पूछा करो, किसी कीमत पे नहीं बताऊंगा। और आज मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, यानी कि बचने का कोई चांस नहीं है। चलो ठीक है, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट, डेली रूटीन, मतलब पूरे दिन क्या क्या करते हो और अपना ज्यादातर टाइम किस चीज में लगाते हो। वेल, दोस्तों मैं पूरे दिन सोता रहता हूँ, जी हाँ, क्योंकि रात में काम करता हूँ देर तक, और मेरा 50% टाइम सोने में ही जा रहा है। देखा ना है दिमाग कितनी तेज चले। मैं नहीं मानता। बाकी 30% स्क्रिप्ट, 10% एडिटिंग, 10% खाने में और फिर से खाने की जगह बनाने में। एनीवेज, वो दिन में सोने वाली आदत ठीक नहीं है। अब मैंने कोशिश की है कुछ दिन से चेंज करने की, और अब चुपचाप दूध पीकर सो जाता हूँ, भैंस का। नेक्स्ट, इंस्टा से एक क्वेश्चन है कि आप फैक्ट कहाँ से ढूंढते हो। तो देखो, कोई एक वेबसाइट नहीं है, मैं पूरे दिन इंटरनेट की बेनाम गलियों में घूमता रहता हूँ, और जो नॉलेज मैं 3-4 घंटे में गेन करता हूँ उसे 1 मिनट से कम में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, अपने बचपन की कुछ ऐसी बात बताओ जो तुमने आज तक किसी को ना बताई हो। प्लीज भाई, ये क्वेश्चन ले लेना वीडियो में। और कसम से जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे एक बचपन की बात याद आई जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तो जब मैं 5-6 साल का था तब मुझे पहली बार पता चला कि एक दिन सबको मरना है। तो मैंने सोचा, यानी कि मेरे फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, अम्मी अब्बा को भी, और ये सोचकर मैं अकेले में रोता रहता था, और कई बार तो मैं टॉयलेट में बैठकर रोता था ताकि कोई देख ना ले। और वाकई में मैं बचपन में थोड़ा ज्यादा मासूम था। नेक्स्ट, भाई YouTube में ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है। सिंपल आंसर, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। इसके अलावा कोई भी YouTube की सेटिंग या शॉर्टकट नहीं है जो ग्रो कर दे। नेक्स्ट, फेस रिवील के बाद क्या तुम अपने दोस्तों से मिलोगे, और इतनी मासूमियत से ये मेरे दोस्त ने ही पूछा है। क्या बात है, क्योंकि बहुत दिन से मैं मिला नहीं उससे, ये वीडियो बनाने में ही बिजी था। और फैज यार, तू ये कभी मत सोचियो कि मैं तुझे भूल जाऊंगा, तू बचपन का दोस्त है यार। 6 मिलियन हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे इतनी जल्दी भूल जाऊंगा। अबे थोड़ा टाइम तो लगेगा तुझे भूलने में, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यार ये हर बात पे पार्टी मांगता है। जैसे 60 लाख सब्सक्राइबर्स हुए तो इसे हर लाख पे पार्टी चाहिए, और अब फेस रिवील की और देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर ये रहा। देखो, मैंने स्कूल में कभी पूरा पेपर नहीं किया, तो आज भी सिर्फ 2 ही जवाब देंगे, परंपरा जारी रखेंगे। तो पहले कांग्रेट्स ब्रो, थैंक यू सो मच, आप अपनी वीडियोस को इतना इंटरेस्टिंग और फनी कैसे बनाते हो। बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स डालकर इंटरेस्टिंग ढूंढता हूं, और फनी बनाने के लिए तो पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से ख्याल आते हैं, और जब आते तो मैं खुद हंसता हूं और फिर ऐड कर देता हूं। दूसरा 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन उठा लेते हैं। भाई ने पूछा है कि आपने चैनल का नाम फैक्ट्स माइंड क्यों रखा, और फैक्ट्स माइंड की जगह फैक्ट्स माइंड क्यों रखा। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन गाइस, तो इसके लिए थोड़ा हिसाब करना पड़ेगा, आ जाओ। तो देखो, हमारे चैनल का नाम है फैक्ट्स माइंड, और ये माइंड गोल्ड माइन वाला माइन है, जिसका मतलब होता है खान, जैसे कि सोने की खान। तो भाई का सवाल है कि आपने फैक्ट्स में एपोस्ट्रोफी एस के बाद क्यों लगाया है, एस से पहले क्यों नहीं। तो अगर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ तथ्य की खान, लेकिन मुझे तथ्य की खान नहीं बल्कि तथ्यों की खान करना था, कई सारे तथ्यों की। और इंग्लिश में की या का के लिए एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगता है, लेकिन जब वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस होता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है, उसके बाद एस नहीं। इसीलिए मैंने फैक्ट्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया ताकि ये तथ्यों की खान हो सके, और ये भी मकसद था कि ये थोड़ा अलग लगे। हालांकि गलत ये भी नहीं है जो प्यारे भाई ने लिखा, बस मेरे अंदर थोड़ी चुल थी। नेक्स्ट, इंस्टा पर चेरी ब्लॉसम ने पहले बहुत सारा प्यार देते हुए फिर पूछा है कि कोई GF है, और ये सवाल इंस्टा स्टोरी पर 500 से ज्यादा और YouTube के मिलाकर हजारों लोगों ने पूछा है। तो आज मैं सच बता ही देता हूँ, वैसे भी एक ना एक दिन तो तुम्हें सच पता ही चल जाएगा कि मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, बिल्कुल सिंगल, मेरे दोस्त की कसम, वरना इसकी भी पार्टी देनी पड़ती उसे। बात तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको अपनी इनकम बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट इनकम जो थी वो मैंने पहले वाले Q&A में बता दी थी, तो अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो और थोड़ी ज्यादा बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अब K में नहीं है, अब L लगे पड़े, और L भी मल्टीप्लाई
बाकी सीआर से दूर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिग फैन की तरफ से है कि आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ। चलो अब जर्नी ही बताता हूँ। तो 1 दिसंबर 2021 को मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी। हालांकि YouTube से मेरा रिश्ता थोड़ा पुराना है, वो कभी और बताऊंगा, थोड़ी लंबी स्टोरी है। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो इस डिटर्मिनेशन के साथ की थी कि मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा। और देखो अब चैनल को 600 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आज तक मैंने एक वीडियो मिस नहीं की, हर रोज वीडियो अपलोड की। बस एक वीडियो कम होगी जिसे YouTube ने किलस के डिलीट कर दिया था, उसपे 40 लाख व्यूज थे। बस वो थोड़ी खतरनाक वीडियो थी माइकल जैक्सन के ऊपर। एनीवेज स्टार्टिंग मेरे व्यूज बहुत कम थे, लेकिन 7th या 8th वीडियो पर मेरे 700 व्यूज चले गए थे और उस दिन इतनी खुशी हुई जितनी अब 10 मिलियन पे भी नहीं होती। वो खुशी ही अलग थी। बाकी चैनल की हिस्ट्री मैंने पर्सनली लिखी हुई है, हर रोज लिखता था। तो फर्स्ट मंथ में यानी कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मेरे 105 सब्सक्राइबर्स हुए थे। उसके बाद 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। फिर उसके 4 दिन बाद 4th ऑफ फेब को मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे और फिर सिर्फ 2 दिन बाद 6th ऑफ फेब को मेरे 20K सब्सक्राइबर्स हो गए थे। 27th ऑफ फरवरी को 100K, फिर 22nd ऑफ मार्च को मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला, फिर 21st ऑफ अप्रैल को मुझे फर्स्ट स्पॉन्सरशिप मिली, 12th ऑफ अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, 22nd ऑफ मई को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए विद 172 अपलोड्स, यानी कि 172 वीडियोस डाल चुका था मैं। और मैंने ये भी लिखा है कि वो दिन कैसा था। इट वॉज क्वाइट एक्साइटिंग डे, आई गॉट टू मेनी कॉल्स फ्रॉम माई रिलेटिव एंड आई वॉज ऑन देयर स्टेटसेस। उन्होंने मेरी व्हाट्सएप स्टेटसेस लगाई थी। उसके नीचे मैंने लिखा है I am grateful to Allah who wrought this precious time in my destiny. Anyways, 10th of April 2023, यानी कि मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले हमारे चैनल ने ओवरऑल 2 बिलियन व्यूज यानी कि 200 करोड़ व्यूज क्रॉस किए और अभी 22nd of July को 3 बिलियन यानी कि 300 करोड़ व्यूज क्रॉस किए। और एक कमाल का कोइंसिडेंस बताऊं जो मुझे खुद इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हुए पता चला। देखो मैंने अभी बताया था 22nd of May 2022 को हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे और उसके पूरे एक साल बाद 22nd of May 2023 को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए सेम डे को। और हाँ मैंने फेस रिवील कर दिया क्योंकि आप मुझे देखना चाहते थे, लेकिन अब आपकी बारी है क्योंकि मैं अब आप सबको देखना चाहता हूँ। इसीलिए जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 10K होते ही लाइव आऊंगा आप सबसे बात करने। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी अब तो इंशाल्लाह दिखता रहूंगा और हाँ मेरा दिल संभाल के रखना। बाय। और हाँ मेरा दिल संभाल के रखना, ठीक है। और हाँ मेरा दिल संभाल के रखना। मैं फिर उंगली यार तोड़ देना मेरी उंगली।